कई नेताओं को कांग्रेस ने घेर डाला। शरद पवार का आया बड़ा बयान। बता दें कि शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के समर्थन देने की घोषणा की। 7 मार्च को शरद पवार और बरामती लोकसभा सांसद सुप्रिय सुले के साथ बैठक के बाद एनसीपी महासचिव नरेंद्र वर्मा ने कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने नागालैंड के व्यापक हित में मुख्यमंत्री रियो के नेतृत्व को स्वीकार करने का फैसला किया है। एनसीपी के एक बयान में भाजपा का कोई जिक्र नहीं था, जो रियो के राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक प्रगतिशील पार्टी एनडीपीपी की सहयोगी है। नरेंद्र वर्मा ने बयान में कहा कि पूर्वोत्तर प्रभारी की बात सुनने के बाद उन्होंने नागालैंड के व्यापक हित में मुख्यमंत्री एन रियो के नेतृत्व को स्वीकार करने का निर्णय लिया। दरअसल विपक्षी दलों में एनसीपी का प्रदर्शन सबसे अच्छा था। एनसीपी ने नागालैंड में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 12 सीटों में से 7 पर जीत हासिल की थी। कोहिमा में 4 मार्च को एनसीपी के नागालैंड विधायक दल की पहली बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि क्या पार्टी को स्वीकार का हिस्सा होना चाहिए या वह मुख्य विपक्ष के भूमिका निभाएगी। इसके बाद एनसीपी ने कहा कि नवनिर्वाचित विधायकों और उसकी स्थानीय इकाई की राय है कि राज्य के व्यापक हित और रियो के साथ उसके विधायकों के अच्छे संबंधों के लिए पार्टी को सरकार का हिस्सा होना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस ने तबाही मचाकर बीजेपी पर धावा बोल रही है, उससे लग रहा है कि अब कांग्रेस जरूर उठेगी। इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।